खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से। गेस्टियों ने यादव डेयरी पर की छापेमारी, 13 घरेलू सिलेंडर किया जब्त, छीना पनीर और गुलाब जामुन के लिए सैंपल। चंदौली जिले के मुख्यालय पर सदर SDM और खदान विभाग द्वारा आपूर्ति विभाग के संयुक्त छापेमारी के दौरान छीना पनीर और गुलाब जामुन का सैंपल लिया तथा मौके पर 13 घरेलू सिलेंडर भी बरामद हुआ। संबंधित यादव डेयरी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। छापेमारी की किए हैं, क्या है मामला सर, किस चीज की छापेमारी हुई है? त्यौहार को देखते हुए वार्ड नंबर 6 में इंदिरा नगर यादव डेयरी, जो विनोद कुमार यादव द्वारा संचालित की जाती है, इनके छेना पनीर खोआ ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो इसकी फूड सेफ्टी अधिकारी और सप्लाई इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज के साथ इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें इनके जो नमूने थे छेना और पनीर और काला जामुन का नमूना लिया गया, जांच करने के लिए जाएगा। और इनके द्वारा जो घरेलू सिलेंडर है, 13 सिलेंडरों का प्रयोग किया जा रहा है, जो ये विधिक नहीं है, ये दोनों चीज़ों पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा। और सर, क्या इनके द्वारा ये कुछ इसमें मिलावट है या कोई पहले से शिकायत थी उसके आधार पे हुई है कि ये रूटीन में हुआ है? सर, ये रूटीन वर्क में हुआ है और ये अभी तो मिलावट के संबंध में अभी जो सैंपल दिया गया है, याद जाएगी जैसे वहाँ से मिलावट पाई।